हर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। महमूद गजनबी से लेकर औरंगजेब तक कैसे लूटा गया बार बार, कैसे बार बार ध्वस्त किया गया इस पावन स्थान को। आखिर क्यों इस्लामिक आक्रांता बार बार हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे थे, क्यों लूटे जा रहे थे मठ मंदिर गुरुकुल सनातन के एक एक प्रतीक चिन्ह। सनातन को मिटाने के इस्लामिक षड्यंत्र का एक एक सच। सोमनाथ, मैं सोमनाथ हूँ। भारत पर विदेशी आक्रांताओं के हमलों के साथ साथ सनातन के प्रतीक चिन्हों मठों मंदिरों और गुरुकुलों पर हमले शुरू हो गए थे। उन्हें लूटते ध्वस्त करते कट्टरपंथी तलवार की धार पर निरीह बेबस लोगों को कत्लेआम करते, मासूम बेटियों की असमत को लूटते पूरे आर्यावर्त को तहस नहस कर रहे थे। उद्देश्य बिल्कुल साफ था, इस्लाम की स्थापना और सनातन धर्म को मटिया मेट करना। हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक था प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। कहते हैं कि सोमनाथ स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी, इसीलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। कहा यह भी जाता है कि सोमनाथ का शिवलिंग हवा में ही टंगा रहता था। पूरी दुनिया के हिंदुओं की आस्था सोमनाथ मंदिर पर थी। यही कारण था 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुबैद ने सोमनाथ मंदिर पर क्रूर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया। सोमनाथ पर वो हमला इतना क्रूर था कि न जाने कितनों को मौत के घाट उतार दिया गया, छत विच्छत कर दिया गया पूरा मंदिर और उसकी अथाह संपदा को लूट लिया गया। परंतु प्रतिहार राजा ने पुनः मंदिर की स्थापना कराई। 17 बार भारत पर आक्रमण करने वाले दुर्दांत लुटेरे मोहम्मद गजनवी की निगाह भी सोमनाथ मंदिर पर पड़ गई। उसे एक मंदिर की अथह संपत्ति दिख रही थी और एक दिन मदांध महमूद गजनवी ने अपनी पगलाई सेना का रुख सोमनाथ मंदिर की तरफ कर दिया। भीषण मारकाट लूटपाट के साथ उसने पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। भयंकर रक्तपात हुआ और असंख्यों की दौलत मोहम्मद महमूद गजनबी लूट ले गया। परंतु देवाधिदेव महादेव की ही कृपा थी कि गुजरात के राजा भीमदेव व मालवा के राजा भोजदेव ने पुनः विशाल मंदिर की स्थापना कर दी। किंतु कुटिल शत्रुओं के षड्यंत्र नहीं रुके। 1297 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद खिलजी की सेनापति नुसरत खान ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया और लूटपाट मार काट के साथ मंदिर ध्वस्त कर दिया। इस हमले में भी लूटपाट के साथ मंदिर पूरी तरह नेस्तनाबूद किया गया। बाबा के भक्त तो भक्त थे, सब कुछ
गंवाने के बाद भी पूजा नहीं रुकी और नए ढंग से मंदिर का निर्माण कर दिया गया। परम 1395 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने हमला कर दिया और बाबा धाम को पूरी तरह लूट कर नेस्तनाबूत कर दिया। सुल्तान का हुक्म था कि यदि यहाँ पूजा की गई तो गर्दन उतार ली जाएगी, लेकिन बाबा के भक्त मृत्यु से नहीं डरते थे। पुनः पूजा भी प्रारंभ हुई और विशाल मंदिर एक बार फिर बनकर तैयार हो गया। किंतु गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह का बेटा उसका अहमद शाह जब सुल्तान बना तो बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने भी 1412 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बाबा सोमनाथ पर हमले दर हमले होते रहे, बार बार आक्रांता उसे ध्वस्त करते रहे, परंतु बार बार बाबा किसी न किसी रूप में आते रहे और मंदिर हर बार से अच्छा और भव्य बनता रहा। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपनी सेना भेजकर एक बार फिर भयंकर हमला कर दिया और भयंकर मारकाट करते हुए पूरी तरह मंदिर को लूटा और उसे ध्वस्त कर दिया। औरंगजेब ने भी भीषण तबाही मचाई थी बाबा की इस पावन धाम में, परंतु हर बार की तरह एक बार फिर बाबा का मंदिर अपनी विशाल स्वरूप पाने लगा। भक्तों ने मंदिर का निर्माण करा दिया और पूजा अर्चना फिर प्रारंभ हो गई। औरंगजेब को जब ज्ञात हुआ कि मंदिर पुनः बना लिया गया है तो उसने 1706 ईस्वी में एक बार फिर भीषण हमला करके मंदिर को नेस्तनाबूत कर दिया। अनगिनत हमलों से आहत बाबा धाम में खून की नदियां बहाई गईं। भीषण नरसंहार हुआ, किंतु बाबा के भक्तों की भक्ति में न कमी आई और न ही पूजा अर्चना कभी बंद हुई। बार बार मंदिर तोड़ा गया, जितनी बार तोड़ा गया उतनी बार नए स्वरूप में बाबा धाम उठकर खड़ा हुआ। आताताई मुगलों का अंत हुआ। कहते हैं कि आतंक ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। इसके बाद ब्रिटिश राज आया, लेकिन लंबे आंदोलन के बाद भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से भी स्वतंत्रता पाई और स्वतंत्र भारत में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरकार और सरकार के तमाम नामचीन लोगों के विरोध के बाद भी सोमनाथ मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कराया। मंदिर का कार्य आज भी जारी है और एक न एक पुत्र बार बार आकर सोमनाथ मंदिर को भव्यता दे रहा है। इसे ही कहते हैं सनातन, जिसका न आदि है और न अंत है। आक्रांता आताताई आते हैं और मिटकर चले जाते हैं, किंतु सनातन तब भी था, सनातन अब भी है और सनातन युगों युगों तक रहेगा। मैं सिर्फ तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सनातन पर कितने आक्रांताओं ने हमले किए, कितनी बार मिटाने की साजिशें की, लेकिन ये सनातन है, न मिटा था, न मिटा है और न मिटेगा। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।